अपनी गुहार लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची ये महिला काशीराम कॉलोनी रिफाइनरी की रहने वाली गुड्डी पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम है। मेहनत मजदूरी करने वाली गुड्डी 28 जून 2017 को अपने किसी काम से जा रही थी कि तभी कोयला अलीपुर रिफाइनरी के रहने वाले विनोद लंगड़ा, लोकेश, जयप्रकाश ने उसे थाना हाईवे क्षेत्र में राजबार किनारे अपनी कार में जबरन डाल लिया और एकांत स्थान पर ले जाकर गुड्डी को अपनी हवस का शिकार बनाया। इस मामले में गुड्डी अपनी शिकायत लेकर थाना हाईवे पहुंची, जहां पुलिस ने न सिर्फ उसका मुकदमा दर्ज किया बल्कि उसका चिकित्सीय मुआयना भी कराया। मुकदमा दर्ज होने के 10 माह गुजर जाने के बावजूद भी अभी किसी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गुड्डी आरोपियों को पकड़वाने की खातिर थाना हाईवे के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुकी है, लेकिन ना तो उसे कोई संतोषजनक जवाब मिलता है, ना ही इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई करती है। लिहाजा बलो अपने कार के आरोपी खुले आम घूम रहे हैं और विधवा गुड्डी को लगातार केस खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। हाईवे पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर गुड्डी मंगलवार को अपने देवर रूप किशोर के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने पुलिस अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया। पुलिस अधिकारियों ने उसे जल्द ही कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस दौरान हुई बातचीत में गुड्डी ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। वहीं गुड्डी के देवर रूप किशोर ने भी घटना के बारे में जानकारी दी, लेकिन ताज्जुब वाली बात है कि जहां एक तरफ योगी सरकार महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आने की बात कहती है, वहीं बलात्कार की पीड़िता 10 माह बाद भी न्याय के लिए तरस रही है।